दो या दो से अधिक स्पेशिस के जाने पर। मैं एक और इसी समय इलेक्ट्रोलाइटिक सेल दिखाता हूं, उसका क्वालिटेटिव एनालिसिस करता हूं, उसमें यह देखता हूं कि क्या ऑक्सीडेशन, क्या रिडक्शन, क्या ओवरऑल रिएक्शन। लेट अस सी दिस रिएक्शन, दिस सेल। वी टेक एक्वस Na2SO4. Let's take aqueous Na2SO4. Once again with platinum electrode. देखिए जरा, मैंने इलेक्ट्रोड्स में कोई फर्क नहीं करा, इलेक्ट्रोड्स वही प्लेटिनम ही रखी है जो पहले ली थी, एक्वस कंडीशन रखा जिस तरह से NaCl में इधर एक्वस कंडीशन रखा था, इधर भी एक्वस कंडीशन और Na2SO4, मतलब पानी के अंदर Na2SO4 डाला है और पानी के अंदर Na2SO4 डाल के उसमें प्लेटिनम इलेक्ट्रोड डिप करके उसका इलेक्ट्रोलिसिस कर रहा हूं। अब मैं देखता हूं कि इस सेल में क्या होगा, किस तरह से होगा, किस तरह से इलेक्ट्रोलिसिस में होगा, एनोड पर क्या रिएक्शन होनी है, कैथोड पर क्या रिएक्शन होनी है। सबसे पहले इसमें आयंस कौन कौन से होंगे, Na2SO4 के डिसोसिएशन से वहां पर सोडियम आयन होगा और सल्फेट आयन होगा, एच पॉजिटिव आयन होगा और हाइड्रोक्सिल आयन होगा। Na2SO4 के डिसोसिएशन से सोडियम आयन और सल्फेट आयन, और वाटर के डिसोसिएशन से एच पॉजिटिव आयन और हाइड्रोक्सिल आयन। अब जैसा कि मैंने समझाया है कि हमेशा ऑक्सीडेशन रिएक्शन सबसे पहले लिखी जानी चाहिए, एनोड रिएक्शन हमेशा सबसे पहले लिखी जानी, तो हम सबसे पहले एनोड रिएक्शन लिख रहे हैं। एनोड पर हमेशा एनायन माइग्रेट करते हैं, वहां पर दो एनायन है, सल्फेट आयन है और हाइड्रोक्सिल आयन। सल्फेट आयन Na2SO4 से आ रहा है, हाइड्रोक्सिल आयन वाटर से आ रहे हैं। यह दोनों एनायन एनोड के पास जाएंगे, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, एनोड पर हमेशा प्रेफरेंशियल ऑक्सीडेशन होता है और प्रेफरेंस हमेशा उसको मिलता है जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, जिसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा है, जो इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर है। हमें कंपैरिजन किसमें करना है, हमें कंपैरिजन उनमें करना है जो एनोड पर जा रहे हैं, एनोड पर जा रहे हैं हाइड्रोक्सिल और सल्फेट। पहले जब हाइड्रोक्सिल की कॉम्पिटिशन क्लोराइड के साथ थी तो हाइड्रोक्सिल हार गया था क्योंकि हाइड्रोक्सिल क्लोराइड के नीचे था, मगर इस बार हाइड्रोक्सिल की कॉम्पिटिशन सल्फेट के साथ में और सल्फेट के मुकाबले हाइड्रोक्सिल ऊपर है, मतलब सल्फेट के मुकाबले हाइड्रोक्सिल आयन की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा है, सल्फेट के मुकाबले हाइड्रोक्सिल आयन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, हाइड्रोक्सिल आयन ही इधर निश्चित ऑक्सीडाइज होगा। हाइड्रोक्सिल आयन हमेशा इस तरह से ऑक्सीडाइज होता है, दो हाइड्रोक्सिल आयन हमेशा H2O प्लस हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, इस तरह से हाइड्रोक्सिल ऑक्सीडाइज होता है। दिस वुड बी द रिएक्शन दैट वुड टेक प्लेस एट एनोड, एनोड पर निश्चित यह रिएक्शन होना है। अब हम जरा देखते हैं कैथोड पर हाइड्रोक्सिल के ऑक्सीडाइज होने का तरीका। देखिए, दो हाइड्रोक्सिल आयन मिलकर दो इलेक्ट्रॉन देते हैं, ऑक्सीजन गैस एनोड पर लिबरेट होती है, देखिए ऑक्सीजन गैस के बबल्स दिखेंगे, वहां पर वाटर बनता जाएगा। कैथोड पर दो कैटायंस माइग्रेट करेंगे,
सोडियम आयन और एच पॉजिटिव आयन, यह दोनों ही कैथोड पर माइग्रेट करेंगे. एट कैथोड वी ऑलवेज हैव रिडक्शन और एट कैथोड वी ऑलवेज हैव प्रेफरेंशियल रिडक्शन. प्रेफरेंशियल रिडक्शन उसका होता है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, सोडियम आयन और एच पॉजिटिव आयन में एच पॉजिटिव आयन का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है. एच पॉजिटिव आयन कैथोड पर रेड्यूस होएगा एंड इट वुड गिव यू हाफ एच टू. दिस इज द रिएक्शन दैट वुड टेक प्लेस. At cathode. Overall, हम हमेशा कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन ना तो क्रिएट होते हैं ना डिस्ट्रॉय होते हैं. चार्ज ना क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है. इट्स ऑलवेज कंजर्व. इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज ट्रांसफर्ड फ्रॉम कैथोड टू एनोड, एनोड टू कैथोड, वो हमेशा ट्रांसफर होते हैं. तो इन दोनों रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन हमेशा कैंसिल होने चाहिए और इन इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करने के लिए हम टू से मल्टीप्लाई करके इस तरह से ऐड कर देते हैं. तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे और वहां पर ओवरऑल टू ओ एच नेगेटिव प्लस टू एच पॉजिटिव गिविंग यू एस टू ओ प्लस हाफ ओ टू प्लस एस टू. 2s negative plus 2h positive को 2s2o लिख सकते हैं क्योंकि वाटर वहां पर दिया जा रहा है और 2s2o लिखने के बाद एक H2O इधर से काट कर हम यह लिख सकते हैं H2O giving you H2 plus half O2. Now this is very interesting situation. यह जो सिचुएशन बनी है बहुत ही इंटरेस्टिंग. यदि प्योर वाटर लिया जाए, प्योर वाटर यदि ले लिया जाए और प्योर वाटर में प्लेटिनम इलेक्ट्रोड डिप करी जाए और वहां पर सर्किट कंप्लीट कर दिया जाए, डीसी बैटरी लगा दी जाए, वहां कोई इलेक्ट्रोलिसिस नहीं होगा. प्योर वाटर का कभी कोई इलेक्ट्रोलिसिस नहीं होता है. ना तो वहां कोई हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी, नहीं वहां कोई ऑक्सीजन गैस लिबरेट होगी. आप प्योर वाटर शुद्ध पानी ले लीजिए और उसमें प्लेटिनम इलेक्ट्रोड डाल दीजिए और ये काम करने की कोशिश कीजिए, कभी भी आपको कुछ भी ऑब्जर्व नहीं होगा. मगर उस प्योर वाटर में एड अ पिंच ऑफ Na2SO4. प्योर वाटर में आप बिल्कुल जरा सा Na2SO4 डाल दीजिए और फिर देखिए Na2SO4 के प्रेजेंस में वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस होने लगेगा. और खास बात, वहां Na2SO4 को कुछ नहीं होएगा, वहां पर हाइड्रोक्सिल आयन को सल्फेट आयन एनोड पर ले जाएगा. सल्फेट आयन हाइड्रोक्सिल आयन को खींचकर एनोड पर ले जाएगा, स्वयं तो पीछे हो जाएगा और हाइड्रोक्सिल आयन को ऑक्सीडाइज करवा देगा. और सोडियम आयन एच पॉजिटिव आयन को कैथोड पर ले जाएगा, स्वयं पीछे हो जाएगा और एच पॉजिटिव आयन को रिड्यूस करवा देगा. यह Na2SO4 यू वे कॉल इट एज अ कैटालिस्ट, एज अ इलेक्ट्रोलाइटिक कैटालिस्ट. यह वहां पर वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस को कैटालाइज कर देगा, वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस को फास्ट कर देगा और स्वयं इलेक्ट्रोलिसिस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा. थ्रू आउट वहां पर वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस होता रहेगा और यह इलेक्ट्रोलिसिस वहां पर तब तक होता रहेगा जब तक कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ हैवी वाटर नहीं रह जाता. हैवी वाटर मींस D2O, उसका इलेक्ट्रोलिसिस नहीं होता. ध्यान रहे, 6000 लीटर यदि पानी लिया जाए तो उसमें 1 लीटर D2O होता है. यदि आप 6000 लीटर पानी लोगे तो 6000 लीटर में 1 लीटर हैवी वाटर होता है D2O हमेशा. 6000 लीटर जब इलेक्ट्रोलिसिस करोगे ना तो वहां पर फाइनली 1 लीटर D2O मिल जाएगा. दिस इज द मेथड बाय विच वी यूज टू ऑब्टेन हैवी वाटर दैट इज यूज्ड इन न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स. न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स में जो हैवी वाटर का इस्तेमाल होता है उसको इसी मेथड से बनाया जाता है.
कि पानी के अंदर NH2SO4 डालो, इलेक्ट्रोलिसिस करो, इस दौरान खूब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस भी मिलती है जिसका उपयोग हो सकता है, और 6000 लीटर का जब इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो 1 लीटर आपको हेवी वाटर मिल जाएगा, क्योंकि हेवी वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कभी नहीं होता। इफ आई विश टू रिप्रेजेंट दिस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, प्लेटिनम एनोड पर ऑक्सीजन गैस इज द प्रोडक्ट, एक्वस Na2SO4 किसी भी कंसंट्रेशन या टेम्परेचर पर, हाइड्रोजन इज द प्रोडक्ट एट प्लेटिनम कैथोड। नाउ ऑब्जर्व कि किस तरह से इलेक्ट्रोलाइट के बदल देने से इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होने वाली रिएक्शन बदल गई, और खास बात उस इलेक्ट्रोलाइट के बदल देने पर उस इलेक्ट्रोलाइट का कोई खास रोल नहीं रहा। जो एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है वो यह कि प्योर वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस तो हो ही नहीं रहा था, इलेक्ट्रोलाइट डाल देने पर इलेक्ट्रोलाइसिस होने लगा और उस इलेक्ट्रोलाइट का कोई रोल नहीं, इलेक्ट्रोलाइसिस फिर भी उसका हो रहा है जो उसकी एब्सेंस में था, वाटर। मगर इस बात को समझने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ दिस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के कंसेप्ट को हमको थॉरली समझना है। प्योर वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस इसलिए नहीं होता है बिकॉज इट हैव गॉट कोवेलेंट नेचर, प्योर वाटर का कोवेलेंट नेचर होता है, इसमें डिसोसिएशन कोई इतनी मात्रा में नहीं हो सकता है जो कंडक्टेंस कर सके, जिससे इलेक्ट्रोड लगाने पर वहां पर कोई अलाइनमेंट हो सके, ऐसा कोई वहां पर आयोनाइजेशन नहीं होता, इसलिए प्योर वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस नहीं हो रहा, जबकि Na2SO4 डालने पर यह इलेक्ट्रोलिसिस होने लगा। मैं एक और सेल बड़ा इंटरेस्टिंग सा बताता हूं इसी बात को समझाने के लिए। देखिए, वंस अगेन एक्वस NaCl कंडीशन वही जो इस सेल में ले रहा हूं, इधर भी मैंने एक्वस NaCl लिया था, इधर भी एक्वस NaCl, पानी के अंदर NaCl थोड़ा सा सॉल्ट डाल दिया, कॉमन सॉल्ट डाल दिया, ब्राइन सॉल्यूशन बना दिया, और इस बार मैं बदल दे रहा हूं इलेक्ट्रोड। अभी तक मैं प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करता था, अब प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करने के बजाय लेट्स पुट सिल्वर इलेक्ट्रोड इनटू दिस सॉल्यूशन, इसके अंदर हम सिल्वर इलेक्ट्रोड रख देते हैं, और सिल्वर इलेक्ट्रोड रखकर हम डीसी बैटरी के द्वारा इस तरह से पोटेंशियल दे देते हैं। अब हम जरा सोचते हैं कि इसमें क्या होगा। वंस अगेन सॉल्यूशन के अंदर कौन कौन से आयन से जरा देख लें, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन जो कि NaCl से आ रहे हैं, H पॉजिटिव आयन और हाइड्रोक्सिल आयन, जो कि वाटर से आ रहे हैं। अब एस आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू, वन शुड ऑलवेज एनालाइज ऑक्सीडेशन रिएक्शन फर्स्ट, वन शुड ऑलवेज एनालाइज एनोड रिएक्शन फर्स्ट, हमेशा एनोड रिएक्शन ही सबसे पहले सोची जानी चाहिए और लिखी जानी चाहिए। ऐसा नहीं करोगे तो गलती कर दोगे। क्या गलती कर दोगे अभी समझाऊं, जरा सोचिए कि इधर कौन कौन से एनायंस हैं और वहां किस तरह से एनोड पर जाएंगे। वहां पर दो एनायंस हैं, एक तो क्लोराइड आयन और एक हाइड्रोक्सिल आयन। यह दोनों एनायन एनोड पर जाएंगे,
क्लोराइड आयन, यह एक एनायन है, हाइड्रोक्सिल आयन यह एक एनायन, दोनों एनायन एनोड पर जाएंगे, एनोड पर ऑक्सीडेशन होना है। किसका ऑक्सीडेशन होना है? क्लोराइड आयन का ऑक्सीडेशन होएगा या हाइड्रोक्सिल आयन का ऑक्सीडेशन होगा? हम अच्छी तरह से जानते हैं एनोड पर प्रेफरेंशियल ऑक्सीडेशन होता है, उसका ऑक्सीडेशन होता है जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, जिसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा है, और ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी उसकी ज्यादा होती है जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर होता है। एनोड पर किसका ऑक्सीडेशन होएगा, क्लोराइड का या हाइड्रोक्सिल का? हाइड्रोक्सिल या क्लोराइड? हम कहेंगे ना तो क्लोराइड का ऑक्सीडेशन होएगा ना हाइड्रोक्सिल का ऑक्सीडेशन होएगा। जरा बड़े ध्यान से देखिए, इस बार एनोड पर सिल्वर मेटल ऑलरेडी मौजूद है, यह ऑक्सीडाइजेबल सिल्वर एटम है, इसके भी कुछ अरमान है, इसकी भी कुछ इच्छाएं हैं, यह भी ऑक्सीडाइज होना चाहता है। जरा ध्यान से देखें, सिल्वर हाइड्रोक्सिल और क्लोराइड दोनों के ऊपर है, मतलब यदि ऑक्सीडाइजेबल सिल्वर वहां पर प्रेजेंट है और एनोड पर है, उसका ऑक्सीडेशन हो सकता है, तो यह सिल्वर ना तो हाइड्रोक्सिल को ऑक्सीडाइज होने देगा ना क्लोराइड को ऑक्सीडाइज होने देगा। इस बार ऑक्सीडाइज होएगा इस मेटालिक सिल्वर का जो ऑलरेडी एनोड पर मौजूद है। हम कहेंगे इस सिचुएशन में एनोड का सिल्वर मेटल एटम, एनोड पर एनोड का ही सिल्वर मेटल एटम अपना इलेक्ट्रॉन एनोड पर छोड़कर स्वयं सिल्वर आयन बन के सॉल्यूशन के अंदर चला जाएगा। एनोड पर एनोड का ही सिल्वर एटम वो ना तो क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन लेगा ना हाइड्रोक्सिल से इलेक्ट्रॉन लेगा, किसी से भी इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, इनको तो पीछे हो जाओ, इधर ऑलरेडी खूब सारे ऑक्सीडाइज होने के लिए सिल्वर एटम पड़े हुए हैं, और जिनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है तो वो सिल्वर एटम अपना इलेक्ट्रॉन छोड़कर स्वयं सिल्वर आयन बनके सॉल्यूशन के अंदर चला जाएगा। ऑक्सीडाइज न तो क्लोराइड हुआ और ना ही हाइड्रोक्सिल हुआ, सिल्वर एटम ऑक्सीडाइज हो गया। अब हम जरा सोचें कैथोड पर क्या होगा। कैथोड पर कैटायन जाएंगे, दो कैटायन तो मैं ऑलरेडी दिख रहे हैं, सोडियम आयन H40Y, कैटायन जाएंगे कैथोड पर, कैथोड पर जा रहे हैं, कैथोड पर कौन रिड्यूस होएगा, सोडियम आयन या H40Y? न तो सोडियम आयन न H+ आयन। जरा देखिए, अभी अभी एक सिल्वर आयन भी तो आया है सामने से ऑक्सीडाइज होकर, यह सिल्वर आयन भी तो एक कैटायन है, यह भी तो कैथोड पर जाएगा। अब कैथोड पर इनफैक्ट तीन कैटायन जा रहे हैं, सोडियम आयन, H+ आयन और सिल्वर आयन। अब कॉम्पिटिशन इन तीन आयन्स में है, कौन रिड्यूस होएगा, वह रिड्यूस होएगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, जिसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे नीचे, सोडियम से नीचे H+ और H+ से भी नीचे है सिल्वर आयन। इस बार कैथोड पर सिल्वर आयन ही रिड्यूस हो जाएगा मेटालिक सिल्वर में
दिस वुड बी द रिएक्शन एट कैथोड। जरा देखिए, पहले जब एक्वस एनएसीएल था तो इस तरह की रिएक्शन हो रही थी प्लैटिनम इलेक्ट्रोड के साथ, मगर इसी एक्वस एनएसीएल की प्रेजेंस में यदि सिल्वर इलेक्ट्रोड हो जाए तो ऐसी कोई रिएक्शन नहीं हो रही है, ना तो सोडियम आयन का कोई रोल, ना H49 का कोई रोल, ना क्लोराइड का कोई रोल, अब पूरी तरह से सिल्वर ही एनोड पर ऑक्सीडाइज हो रहा है, सिल्वर ही कैथोड पर रिड्यूस हो रहा है। जरा देखिए, ओवरऑल रिएक्शन वुड बी एजी एट एनोड वुड ग्रेजुअली गेट डिपॉजिटेड ओवर कैथोड। एजी का एनोड कम होता जा रहा है और कैथोड पर एजी बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे एनोड छोटी होती जाएगी और कैथोड मोटी होती जाएगी। एनोड का वजन कम होता जाएगा क्योंकि एनोड पर से सिल्वर कम होएगा, और कैथोड का वजन बढ़ता जाएगा क्योंकि कैथोड पर सिल्वर डिपॉजिट होता जाएगा। NaCl वहां बीच में कुछ नहीं करेगा, बीच में खड़ा खड़ा देखता रहेगा, इधर सिल्वर आ रहा है, इधर जा रहा है, इधर आ रहा है, इधर जा रहा है, उसका कोई रोल नहीं। दिस वुड बी द रिएक्शन दैट वुड टेक प्लेस इन दिस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इफ आई विश टू रिप्रेजेंट दिस सेल, Ag एट एनोड वुड गिव यू Ag पॉजिटिव, इन एक्वस NaCl एट एनी कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर एंड एट कैथोड वी हैव गॉट Ag इलेक्ट्रोड एंड Ag मेटल इज गेटिंग डिपॉजिटेड एट कैथोड। दिस वुड बी द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल रिप्रेजेंटेशन, या इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का रिप्रेजेंटेशन होगा। जरा बड़े ध्यान से देखिए, और अब इन चारों ही सेल को ध्यान से देखिए और देखिए किस तरह से इलेक्ट्रोड के बदल जाने से रिएक्शन बदल गई, किस तरह से इलेक्ट्रोलाइट के बदल जाने से रिएक्शन बदल गई, और किस तरह से मीडियम के बदल जाने से रिएक्शन बदल गई। मैंने कहा किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होने वाली रिएक्शन तीन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, एक तो उसमें किस तरह का इलेक्ट्रोलाइट लिया जा रहा है, दूसरा इस बात पर डिपेंड करती है कि उसमें क्या मीडियम रखा जा रहा है, और तीसरा इस बात पर डिपेंड करती है कि उसमें किस तरह का इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करा जा रहा है। इन तीनों ही फैक्टर्स के इफेक्ट को समझाया है एंड हाउ टू कैरी आउट द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ द क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होने वाली रिएक्शन को सोचने का तरीका बताया है, किस तरह से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का इस्तेमाल करते हुए इन बातों को हम सोचे। अब इसी समय जो भी कुछ मैंने समझाया है उसको मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। मैं इसी समय कुछ 8-10 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और उनकी कंडीशंस को दूंगा, और आप स्वयं इसी समय सोच समझकर मुझे बताएंगे कि वहां पर क्या रिएक्शन होगी। जो मैं कंडीशन दे रहा हूं उसके लिए आप सबसे पहले एनोड रिएक्शन लिखेंगे, फिर कैथोड रिएक्शन लिखेंगे, फिर ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखेंगे, फिर सेल रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे, और फिर सोचेंगे कि वहां पर किस तरह से क्या फेनोमेना होना चाहिए। ध्यान से सबसे पहले इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए। आई होप इट्स क्वाइट क्लियर टू यू। अब लेट्स स्टार्ट अवर एनालिसिस। सबसे पहले इफ वी हैव गॉट एक्वस कॉपर सल्फेट विथ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, इसी समय इस सिचुएशन को सोचिए और लिखिए कि वहां पर क्या होगा। यदि हम एक्वस कॉपर सल्फेट विथ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड लेते हैं तो वहां पर एनोड रिएक्शन क्या होगी, कैथोड रिएक्शन क्या होगी, ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या होगी,
सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, जरा उसको बनाकर देखिए और प्रॉपरली उसका एनालिसिस कीजिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बड़े ध्यान से सोचिएगा। इसके बाद एक्वेस CuCl2 विथ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, देन एक्वेस ZnCl2 विथ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड एंड देन एक्वेस ZnSO4 विथ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। मैंने सबसे पहले यह चार सेट दिए हैं, फटाफट जरा ध्यान से सोचिए, एक्वस कॉपर सल्फेट विद प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, एक्वस CuCl2 में क्या होगा, एक्वस ZnCl2 में क्या होगा, एक्वस ZnSO4 में क्या होगा, बड़े ध्यान से सोचिए, टेक योर ओन टाइम, गड़बड़ी मत करना। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपके सामने लिखी हुई है, बड़े ध्यान से रिलेटिव पोजिशन देखो और इसी समय पहले एनोड रिएक्शन, फिर कैथोड रिएक्शन, फिर फुल सेल रिएक्शन कि क्या होगा उसमें, फाइनली फिर हमना और फाइनली सेल रिप्रेजेंटेशन इसी समय।